मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद से जारी राजनीतिक घटनाक्रम अभी थमा नहीं है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लगातार बयानबाजी करना बीजेपी नेता प्रेमचंद्र गुड्डू पर आखिरकार भारी पड़ गया है। दरअसल पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू बीते कई सप्ताह से पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए हुए थे। उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोला था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक तुलसी सिलावट पर जमकर बयानबाजी की थी। गुड्डू ने कहा था कि तुलसी सिलावट सिंधिया के चापलूस हैं। बता दें कि प्रेमचंद्र गुड्डू ने सांवेर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सिलावट को हराने का खुला ऐलान भी किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई भी आंतरिक कलह बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वो महाराज सिंधिया का गढ़ माना जाता है और बीजेपी उपचुनाव में कोई भी चूक ना हो इसका पुरजोर ख्याल रख रही है। आपको बता दें कि महाराज सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रेमचंद्र गुड्डू के खिलाफ एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्रवाई करते हुए 19 मई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन्हें एक सप्ताह के अंदर इसका जवाब देना था, लेकिन पार्टी को अब तक उनका जवाब नहीं मिलने पर बीजेपी ने प्रेमचंद्र गुड्डू की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता को रद्द कर दिया है। हालांकि गुड्डू ने नोटिस जारी होने के अगले दिन ही इसका जवाब भेजने का दावा किया था। दरअसल प्रेमचंद्र गुड्डू इससे पहले कांग्रेस में थे और बकायदा कांग्रेस के टिकट पर 2009 में उज्जैन से सांसद चुने गए थे। हालांकि 2018 में गुड्डू और उनके बेटे कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराज सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद बगावत अख्तियार करने वाले प्रेमचंद्र गुड्डू के बारे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रेमचंद गुड्डू दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लेंगे और होने वाले उपचुनाव में तुलसी सिलावट के सामने सांवेर से उम्मीदवारी ठोकेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस में फिर से वापसी की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं। इसको लेकर वो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। संभावना है कि वो अगले सप्ताह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ कुछ अन्य बीजेपी नेताओं के भी कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना है। बहरहाल अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सियासी पारा चरम पर है।